हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जो कि आपके हैंड्स को बिल्कुल सॉफ्ट और प्लम बना देगी। कि किसी के भी हाथ ड्राई हैं, हार्ड हैं, तो उसके लिए रेमेडी है। अगर किसी को ये मेरी रेमेडी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो जो हमें इस रेमेडी में इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, वो सबसे पहला जो हमें फर्स्ट इन्ग्रीडियंट चाहिए वो है बेसन यानी ग्राम फ्लोर। एंड जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है कर्ड यानी दही। आप घर जो घर पे दही बनाते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं और योगर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्लेवर योगर्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन जो हमारा योगर्ट आता है वो लेंगे हम। उसके बाद मैं एक स्पून की हेल्प से 1 टेबल स्पून बेसन ले रही हूँ एक क्लीन बाउल में। एंड मैं 1/4 टेबल स्पून ऑफ कर्ड ले रही हूँ और इसको हम एक थिक बैटर के उसमें बनाना है, तो इसलिए मैं पहले ज़्यादा कर्ड ऐड नहीं करूँगी ताकि हमारा बैटर रनी ना बने। इसीलिए इसको हम बिल्कुल अच्छे से सर्कुलर मोशंस में मिक्स कर लेंगे और इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे जिसके अंदर कोई भी लम्ब्स ना हो। और हमें बिल्कुल थोड़ा सा थिक बैटर बनाना है इसका जो हम बना रहे हैं इसका, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जो बेसन है वो एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, आपकी स्किन को वाइटन करेगा, ग्लो प्रोवाइड करेगा। एंड कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन को वाइटन करने में हेल्प करता है, और कर्ड आपकी स्किन को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करेगा जिससे आपकी स्किन सप्पल, सॉफ्ट एंड स्मूथ बनेगी। ये हमारा कुछ ऐसा बैटर रेडी हुआ है जिसकी कंसिस्टेंसी है वो आपको ऐसे ही रखनी है अपने बैटर की भी। अगर आपको इसको बनाना है तो आप सेम रेशियो में आप और भी बना सकते हैं पूरी बॉडी के लिए, और आपको इसको वीक में एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करना है, आपको रेगुलर यूज़ नहीं करना है। मैं आपको इसको अपने रिस्ट पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है। पहले मैं सर्कुलर मोशंस में इसको अप्लाई कर रही हूँ, आप थोड़ा सा इसको अप्लाई कर लें ऐसे, और फिर उसके जो ये हमने अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, इसको आपको 20-25 मिनट्स तक छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। अगर विंटर्स हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है ड्राई होने में, वरना समर में ये बिल्कुल आराम से 12-13 मिनट्स में ड्राई हो जाएगा। और मैं पूरी हैंड पर अप्लाई कर लूँगी इस मिक्सचर को। एंड मैंने पूरे हैंड पर अप्लाई कर लिया है और इसका ड्राई होने का वेट करेंगे, उसके बाद इसको ल्यूक वॉर्म वाटर से स्क्रबिंग करते हुए रिमूव कर लेंगे। एंड गाइस, उसके बाद हम पैड ड्राई कर लेंगे टावल या फिर कोई भी कॉटन क्लॉथ की हेल्प से अपने पूरे हैंड को। आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्लो आ गया है हमारे हैंड में, बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं हमारा हैंड जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, बिल्कुल वहाँ पे स्मूथ हो गए हैं। अगर आपको और हम कोई भी मॉइस्चराइज़र का यूज़ करके अपने हैंड को मॉइस्चराइज़ कर लेंगे, क्योंकि बेसन हमारे हैंड को थोड़ा बहुत ड्राई कर देता है विंटर्स में इसीलिए। तो जो हमारा ये रेमेडी थी, अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, अगर ऐसी वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देख ही सकते हैं ग्लो कौन सी हैंड में ज़्यादा आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो इस अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड।